ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। रंग-बिरंगी पगड़ी और पटके पहने लोग और राजस्थानी लोकगीत संगीत से सजी ये शाम तस्वीरें दिल्ली के छतरपुर इलाके की हैं। ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि राजस्थान को रंगीला क्यों कहा जाता है। अब इस रंगीले प्रदेश के लोगों ने दिल्ली में भी अपनी दमदार दस्तक दे दी है। ये नज़ारा राजस्थान मित्र मंडल सोसाइटी द्वारा आयोजित 69वें राजस्थान स्थापना दिवस समारोह का है। इस समारोह में राजस्थान मूल के लोगों ने पहली बार ये महसूस किया कि उन्हें अपने लोगों, अपनी संस्कृति और अपनी मिट्टी की सुगंध कितनी प्यारी है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में राजस्थान मूल के हर वर्ग से जुड़े लोग मौजूद थे। इनमें राजनेता, डॉक्टर्स, वकील, पत्रकार, कारोबारी जगत से जुड़े लोग, प्रोफेसर आदि भी बड़ी संख्या में थे। इतना ही नहीं, राजस्थान से आए मंत्री व दिल्ली के स्थानीय सांसद भी इस माहौल से बेहद प्रभावित नजर आए। सभी ने राजस्थान मित्र मंडल को इस आयोजन के लिए जमकर बधाई दी। और सभी व्यवसायों के, चाहे वे व्यापार वर्ग में हो, चाहे सर्विस में हो या और कोई व्यवसाय कर रहा हो, सब ने मिलकर के आज राजस्थान दिवस की स्थापना दिवस पे इकट्ठे हुए और बहुत ही भाईचारे के साथ, बहुत प्रेम के साथ में राजस्थान दिवस की स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसलिए आपके मार्फत पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी राजस्थानी बैठा है और राजस्थान में रहने वालों को, सबको राजस्थान दिवस की बधाई भी देना चाहूँगा और सबका अभिनंदन करना चाहूँगा। राजस्थान मित्र मंडल ने दिल्ली में राजस्थान मूल के लोगों का एक परिवार बना दिया है। ऐसा परिवार जो एक दूसरे की मदद को सदैव आगे रहने का संकल्प लिए हुए है। इस परिवार को बनाने का ख्याल राजस्थान मूल के एम्स में काम कर रहे कुछ लोगों को आया। ये एम्स में आने वाले हर शख्स की ऐसी भी मदद करते हैं जो उनकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो एक मानव धर्म है। इसी दौरान उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है और उसमें ऐसे लोग जुड़ते ही चले गए। आज ये परिवार एक बहुत बड़ा परिवार बन गया है। इसमें बड़े से बड़े अधिकारी, कारोबारी और प्रोफेशनल लोग भी पूरे मन से जुड़े चले गए। अब इस परिवार की और भी कई योजनाएं हैं। दिन प्रतिदिन हम समस्याएं देखते थे, जो भी मरीज आता था, जो हमारा रिश्तेदार हो, चाहे हम खुद हो, चाहे हमारे रिश्तेदार के आगे कोई मिलने वाले हो, तो एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी थी कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके माध्यम से हम उन लोगों की सेवा कर पाएँ। और हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार की ही मदद कर रहे हैं, जो हेल्थ फॉर ऑल है। 50% बीमारियाँ ऐसी होती है जो टाइम पीरियड में इलाज हो जाए तो मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो हमारी ये कोशिश है कि राजस्थानियों को टाइम से इलाज मिले, बिना पैसे मिले, सब सुख सुविधाएँ मिले, भोजन मिले,
रहने को मिले। अपनी धरती, अपनी माटी और अपनी संस्कृति हर आदमी को प्यारी होती है, और हम यहाँ पे कोसों दूर राजस्थान छोड़ करके यहाँ आकर के हम लोग बसे हैं, रोजी रोटी के लिए आकर के बसे हैं, लेकिन मातृभूमि, माटी और माँ से अभी भी उतना ही प्यार है। 2 साल से ये प्रक्रिया शुरू हुई है और इस बार राजस्थान मित्र मंडल के लड़कों ने, इन्होंने इतनी मेहनत करके इसको इतना सुंदर रूप दिया है कि ये हर बार ये एक स्टेप ऊपर ही बढ़ रहे हैं। इस बार इन्होंने एक स्टेप की जगह 8 स्टेप ऊपर बढ़ गए हैं। नेक्स्ट टाइम इनसे और उम्मीद करी जाती है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन आयोजन करवाया है ये, जिसको देख के मंत्रमुग्ध हो गया, दिल खुश हो गया एकदम। ये ऐप का मेन पर्पस जो है कि वो उसमें एक मेंबर रजिस्टर करने के बाद में उसमें दूसरे मेंबर से कांटेक्ट कर सकता है, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो ऐप के जरिए अपनी प्रॉब्लम को उसमें पोस्ट कर सकता है, तो दूसरे जो मेंबर होंगे रिलीवेंट उससे उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो ऐप एक मंच है जुड़ने का, राजस्थानी मित्र मंडल से जुड़ने का एक मंच है जिसमें ऐप के जरिए जुड़ सकता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते। हम इसको जब लास्ट टाइम पे किया था तो यहाँ पे इतनी गैदरिंग नहीं थी। अभी जो लोग बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, बस सब लोगों का प्रयास है, यहाँ जो लोग राजस्थानी लोग रह रहे हैं उनका प्रयास है। मैं आपको यहाँ किसी भी बात करूँ, मैं सबसे पहले निरंजन जी से मिला था आज से 2-3 महीने पहले, निरंजन जी बोला आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, आप फुल सपोर्ट करो, जो लोग हैं वो हम जोड़ेंगे। तो हम अगली बार ये चाह रहे हैं कि पिछली बार हमारे से 1500 लोग इससे भी कम थे, इस बार हमारी जो संख्या है वो 1500 से 2000 से ऊपर गई है, और इस अगली बार इससे भी ज़्यादा होगी। हम ये करें, और बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि इन सब लोगों ने, मेरे मित्रों ने बता दिया, इनके जो सदस्य हैं उनको, कि हम फ्री यहाँ पे जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, कि अब सपोज करो राजस्थान से कोई लोग आता है, उनको कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे कैसे, उनकी सेवा करना है। इस समारोह में राजस्थानी भाइयों को आपस में जिम्मेदारी और जज्बात के साथ जोड़ने के लिए राजस्थानी मित्र मंडल नाम से मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है। खाने के लिए जायकेदार राजस्थानी व्यंजन, राजस्थानी लोग लगा मानो ये लोग अपने प्रदेश और परिवार के बीच पहुंच गए हों। राजस्थान मित्र मंडल की ये मुहिम दिल्ली में राजस्थान की साख, संस्कृति और स्नेह सहयोग की शक्ति का उदाहरण भी बनेगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ संदीप स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर